Namaskar from Zari. My name is Yongbam Deben. I live in Impa, and I have published 9 books of poetry in Manipuri. The title of the poem is The Collector. There is this dwindling eyesight getting solace from a pair of spectacles. Pain in the joints making him locked down. An enlarging prostate threatening to block the water highways. Stones filling the gallbladder bag or collecting at the kidney source. Growing in size like a slow growing tumor. A pot belly leading from the front in the ace marsh. Wrinkles beginning to nest under the skin as the season arrives. A love song that is muffling away into the distance. An imminent stooping posture, a sign of politeness. Is it in preparation for his surrender to God? He has been collecting them all these years like stamps or antiques. नमस्कार, मेरा नाम है विमल। कविता का शीर्षक है दे यानी दिवस। एक संदेशा आया, ओल्ड एज होम पहुंचा। एक संदेशा आया, ओल्ड एज होम पहुंचा। विदेश में बस गए बेटे ने भेजा, माँ की याद में माँ के नाम, मदर्स डे के सुअवसर पर। एक संदेशा आया, ओल्ड एज होम पहुंचा। विदेश में बस गए बेटे ने भेजा, माँ की याद में माँ के नाम, मदर्स डे के सुअवसर पर। लिखा था चंद शब्दों में, लिखा था चंद शब्दों में, बस इतना ही तो था, मिस यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे। लिखा था चंद शब्दों में, बस इतना ही तो था, मिस यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे। टटोल रहे थे शब्दों को बार बार, टटोल रहे थे शब्दों को बार बार, झुर्री भरे उंगलियों से ऐसे सहलाते हो जैसे स्तनपान कराते, सुलाते हो जैसे आखिरी पहर में। टटोल रहे थे शब्दों को ऐसे, झुर्री भरे उंगलियों से ऐसे सहलाते हो जैसे स्तनपान कराते, सुलाते हो जैसे आखिरी पहर में। छाती से लगाते चूमते हैं उठाकर, छाती से लगाते चूमते हैं उठाकर, चूमते हो जैसे मस्तक को रोजाना, बेटे का घर से निकलने से पहले, दोस्तों के संग चलने से पहले। छाती से लगाते चूमते हैं उठाकर, चूमते हो जैसे मस्तक को रोजाना, बेटे का घर से निकलने से पहले, दोस्तों के संग चलने से पहले। एक उपहार आया, एक उपहार आया, ओल्ड एज होम पहुंचा। विदेश में ब्याही बेटी ने भेजा, पिता की याद में पिता के नाम, फादर्स डे के सुअवसर पर। एक उपहार आया, ओल्ड एज होम पहुंचा। विदेश में ब्याही बेटी ने भेजा, पिता की याद में पिता के नाम, फादर्स डे के सुअवसर पर। सेहतमंद रहे आप हमेशा, सेहतमंद रहे आप हमेशा, लंबी उम्र खुशहाल की, पिता के लिए मांगी है दुआ, हैप्पी फादर्स डे। एक उपहार आया, ओल्ड एज होम पहुंचा। विदेश में ब्याही बेटी ने भेजा, पिता की याद में पिता के नाम, फादर्स डे के सुअवसर पर। सेहतमंद रहे आप हमेशा, लंबी उम्र खुशहाल की, पिता के लिए मांगी है दुआ, हैप्पी फादर्स डे। अशक्त देह, अशक्त देह, धुंधली नज़र, उन नज़रों में उभर आया, जीवंत हो वो दिखने लगा। अशक्त देह,
धुंधली नज़र उन नज़रों में उभर आया, जीवंत हो वो दिखने लगा। नन्हे हाथों से उन्हें छूना, तर्जनी उसके कसकर थामना। जीवंत हो वो दिखने लगा, नन्हे हाथों से उन्हें छूना, तर्जनी उसके कसकर थामना, कंधों में उठाए आंगन में खेलना। दिवस आने पर करते हैं याद, दिवस आने पर करते हैं याद, माँ के आराधक होनहार संतान। दिवस आने पर करते हैं याद, माँ के आराधक होनहार संतान, पैगाम देते हैं हर साल पिता के पुजारी पितृभक्त। मुझे याद नहीं आता, मुझे याद नहीं आता, कब होता है मदर्स डे, सोचा ही नहीं इस दिन होता फादर्स डे। मुझे याद नहीं आता कब होता है मदर्स डे, सोचा ही नहीं किस दिन होता फादर्स डे। अल्फाज से न दी उन्हें खुशी, तोहफा तो कभी दिया ही नहीं। अल्फाज से न दी उन्हें खुशी, तोहफा तो कभी दिया ही नहीं। नहीं 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 है मेरा, नहीं 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 है मेरा, दूजा वक्त भिन्न अलग, दिन रात सुबह शाम, सुसुसा में माँ की रहती हूँ पल पल, सेवा करती पिता का हर पल। नहीं 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 है मेरा, दूजा वक्त भिन्न अलग, दिन रात सुबह शाम, सुसुसा में माँ की रहती हूँ पल पल, सेवा करती पिता का हर पल। मेरे लिए है हर दिन, मेरे लिए है हर दिन, हर पल फादर्स डे, हमेशा के लिए मदर्स डे। नमस्कार। Namaste. My name is Tongbram Amarjit, and I work as a translator at Manipur Legislative Assembly Secretariat, and I serve as the president of Sahit Tokpangluf in Imphal, Manipur, and I have been associated with many other literary organizations, including the Cultural Forum Manipur, Loktakor Zailuf, Zailuf Manipur. Today I am going to present my poem, The Smell of Paddy Field. This has been translated from Manipuri into English by Ketrimim Premchandra Singh. Here goes my poem. The Smell of Paddy Field. To you, peasant, this paddy field is paradise. It gives you everything, everything which makes life sustain. Green cover paddy fields stand for you. The poor and the deprived ones, and thousands of paddy plants do stretch their green arms for you. What is lacking in you? Who do you fear? You are the one who nurtures. You mitigate the hunger of the poor and the rich alike. If you didn't get mud all over, if you abandoned the plow and the sickle, if you deserted the bullock and the yoke, who shall be standing up for the rice fields? Many fields wide and majestic, which give well-grown golden grains, wait for the tilling season, wait for the parrot of bullock carts, wait for the seams from the cow bells. But today, cracked fallow fields, dried up canals, fields where dried straw stubbles left by the golden plants have transformed into tall buildings, factories, brick fields, and office building. Rice fields, the smell of herbs and edibles growing upon you, the smell of heartwarming rice blends, all have been replaced by the fume of development gradually. Thank you for watching. Read in Manipuri language. Maitedon.
a few leading lines in Manipuri. The title, Kari Hai Shige. Hauzik ai khoi wangam ngang bagi matam loire. Wangam gi matam loire. Gari sing si yang na yang na thujil lagre. No mang drabasu atiadi mamli. No mang basu ai khoi pami. No su basu ai khoi pami. Atiada no leite. Now the English person. The English translation is done by Robin S. Nangom. Robin S. Nangom is a renowned poet from Manipur, writing in English, and he is also a good translator. The title in English, What Else to Say? What Else to Say? Now, the time for us to speak has ended. The time to speak is over. These vehicles steer towards us with great speed. Even if it is not cloudy, the sky is dark. We like it to be cloudy. We want it to rain. In this sky, there is no rain. All these vehicles are manufactured by us. These guns too are made by us. We have a lot of bullets. What do the women say? And have the men had their say? Good. All are very good. We all are good. These are all good women and men. What did Hitler say? Einstein has kept quiet. He knows the time to speak had ended. These tall houses are built by us. Come rain or shine, we have to kill humankind. We cannot do without killing human beings. Can slacken now on these rows that you had been working stick strips of paper. Color the words and the letters. Many TV channels, radio stations belong to us. There are many dailies. Dollar. Don't frown. Swing your arms. Swing your hands. Now the time to speak has come again. Don't you know already? We own many newspapers. There are many radio stations, TV channels. Even if you kill men, you should not talk about killing. You should be careful, very clever. Don't forget, these tall buildings have not a single man living inside them. Where does the thing called man live?